हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी के साथ एक थोड़ा डर भी लग रहा होगा, एक नर्वसनेस लग रही होगी, एंजाइटी वाला थोड़ा कुछ फील होता होगा, राइट? दोस्तों, ये सब तो होते रहेगा, राइट? एग्जाम्स है, प्रेशर है, और यही तो खूबसूरती है ना एग्जाम्स की। तो आप समझो दोस्तों कि ये जब भी कोई भी सीए एस्पिरेंट जब पढ़ाई करता है और एग्जाम्स जब नजदीक आती है, तो ये ऐसा हर बच्चा इस दौर से गुजरता है। मैं भी जब स्टूडेंट था ना, मैं भी जब पढ़ाई करता था ना, तो भाई मुझे भी ऐसा फील होता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, रोजाना बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूं, बहुत सारे पेजेस पढ़ रहा हूं, बट सडनली एकदम से ऐसा सोचता था कि यार मैंने वो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था क्या मुझे वो याद है क्या। देन आई यूज्ड टू टर्न बैक, देन आई यूज्ड टू सी कि हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार ये हर बच्चे के साथ होगा, मेरे साथ भी हुआ। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस समय में, इस क्रूशियल फेज में बिल्कुल भी आप है ना डरो मत। कंसिस्टेंटली आप आपका हार्डवर्क करते जाओ, अपने आप पे भरोसा रखना कि इतने टाइम जो आपने सिंसियरली क्लासेस अटेंड करी थी, अब आपका जो रिवीजन का टाइम है, जब आपको एक्चुअल में अब आपको एक्सेलरेट करने का टाइम है, तो आप अभी ये सब जो अनवांटेड चीज है ना, आप ये दिमाग में मत लेके आना, राइट? अच्छे से जो आपने शेड्यूल बनाया है, जो आपने टाइम टेबल सेट किया है, उसी को आप फॉलो कीजिए। बहुत एग्रेसिवली पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट्स के बारे में ना सोचे, बिकॉज वो कहता है ना, तू बस मेहनत करते जा, फल की चिंता ना कर, फल अपने आप आपको मीठा मिल जाएगा, राइट? सो बिल्कुल भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको बहुत मन लगा के मेहनत करना है, रॉक करना है एग्जाम्स में। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड, राइट? थैंक यू, हैव अ ग्रेट 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 टाइम स्टडिंग। बाय बाय।